झारखंड बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र स्थित हरिजन बस्ती के निकट बीती रात्रि को अनजान चेहरा देखकर जब ग्रामीण पूछताछ करने लगे तो अपराधी हथियार निकालकर इससे पहले की कोई घटना को अंजाम देते उसी समय ग्रामीणों ने तीनों अपराधियों को दबोच लिया व स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पूछताछ में तीनों अपराधियों ने चोरी की बात को कबूल कर लिया। इन अपराधियों के पास से एक कट्टा, चोरी में इस्तेमाल करने वाला लोहे की रॉड, चाकू बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पूर्व में भी इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीती रात्रि ये अपराधी कोई घटना को अंजाम देते उससे पहले ही ये लोग ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ के बाद सभी गिरफ्तार अपराधियों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना मिली कि ये जो हरिजन बस्ती है गोविंदपुर में, उसमें कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों को बताया कि आप घेराबंदी करके रखिए, पुलिस भेज रहे हैं। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जो ग्रामीण लोग हैं ये अपराध कर्मियों को बाहर निकलने नहीं दिया और घेराबंदी करके रखा। पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से इनको जब पकड़ा गया तो इनके पास से एक देसी कट्टा मिला है और जो घर में छनवारी करते हैं उसको वो औजार लोहे का मिला है जिससे ताला वाला तोड़ते हैं वो मिला है और तीन मोबाइल मिला है। एक एक इसमें टंडवा गांव का विष्णुगढ़ थाने का रहने वाला है और दो पेक नारायणपुर थाना के अंतर्गत रहने वाला है। इन लोग का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग चोरी चमारी छिनते इत्यादि में संलिप्त रहे हैं। अन्य बिंदुओं पर इनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है, इसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्या नाम है इनका? नाम है, एक का नाम है चंदर महतो जो कंजकिरो के हैं, दूसरा का नाम है साबिर अंसारी जो कांजो के हैं और कांचो, और तीसरा है जाफिर अंसारी, ये टंडवा विष्णुगढ़ के हैं। ये तीनों, इन्हीं के पास से देसी पिस्तौल मिला है।